इसका गला काटा गया है। किससे? मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं एंटोन एंड्रेविच, तुम्हें ही ढूंढना होगा। देखिए ये क्या है, बताइए ना। नक्शा लगता है किसी ने उसे दिया होगा, जैसे जासूसी किताबों में होता है। खैर तुमने तो पढ़ा ही होगा। एक काला निशान उन्होंने उसे आगाह करने के लिए भेजा और उसे मार दिया। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, वैसे सुबह इतनी अच्छी नहीं है। जानते हो हर मिनट धरती पे 8 लोग पैदा होते हैं और 5 लोग मरते हैं, तो कह सकते हैं कि आज का दिन अच्छा है। कौन है ये? हम नहीं जानते। क्या आप इससे पहले कभी मिले हो? नहीं। नेचुरल डेथ है क्या? लगता तो नहीं। लगभग कब हुआ होगा? मेरे ख्याल से कल रात के वक्त, अभी तो बस अंदाजा लगा सकता हूँ। कौन हो तुम? उसने मुझे मार दिया। उसने मुझे मार दिया। उसने मुझे मार दिया। उसने मुझे मार दिया। एक, दो, तीन, चार, पांच, तैयार रहो, मैं आ रही हूं। नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। तुमने? नहीं, कुछ भी नहीं। कैसे कत्ल हुआ है? इसका गला काटा गया है। हमें यहाँ इसकी जेब में एक वार्निंग मार्क मिला है, ये देखिए। ये आदमी पोलैंड का है। ये कैसे पता चला आपको? बाद में बताऊंगा। तुम एक काम करो, तुम जाकर शहर में ढूंढो कि पोलैंड के लोग कहाँ रहते हैं और उनसे मिलो एंटोन। चलो अब हमारा काम नहीं। मुझे याकोब प्लैटनविच से कुछ बात करनी है। कुछ हुआ है क्या? नहीं, मैं अभी आती हूँ। जेंटलमैन। तुम्हें कुछ बात करनी है क्या? मुझे ऐसा लगता है इसमें नीना का हाथ है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? महसूस हो रहा है। डॉक्टर, कहिए कि लाश को ले जाएं। एक काम करो एंटोन, घर के आसपास के सभी लोगों से पूछताछ करो, खासकर धोबी और पड़ोसी से, शायद हमें कोई सुराग मिल जाए। वैसे याकोब प्लैटनविच, ख्याल रहे कि इसके जूते में मिट्टी लगी हुई है। सिर्फ मिट्टी नहीं लगी है। अगर सच कहूँ तो 12 मास होने वाला एक पौधा है जो पैर में लगा है, तो मेरा ख्याल है कि
मरने वाला यहाँ तक पहुँचने से पहले किसी जंगल से गुजरा होगा, वहीं पर ये पौधे होते हैं, देखिए। हाँ बिल्कुल, वो पौधों के आसपास होगा। एक काम करो एंटोन, गेस्ट हाउस चेक करो, चलो। तुम कहाँ जा रही हो? वॉक करने, स्टोलमन से मिलने। आपने ऐसा क्यों पूछा? मैंने तुम्हें उससे बात करते देखा था। तो क्या हुआ? वो इसलिए क्योंकि जब भी किसी का खून होता है तुम उससे मिलने जरूर जाती हो, तुम्हारे बिना वो काम नहीं कर सकता। मॉम आप क्या कहना चाहती है मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे हमेशा सफाई क्यों देनी पड़ती है? एना, मुझे तुम्हारा उस आदमी से मिलना जुलना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तुम समझते क्यों नहीं हो? मेरा उस आदमी से कोई रिलेशन नहीं है, ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं मॉम। मुझे यकीन नहीं है, तुम कहती हो तुम उससे बात नहीं करती, लेकिन जैसे ही किसी की लाश मिलती है तुम मक्खी की तरह उस पर भिनभिनाने लगती हो। क्यों? आखिर क्यों? बताओ मुझे। माशा बस भी करो। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो मारिया तिमोफीवना। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं सुनना है। एना मगर सच में तुम उससे मिलने नहीं जा रही हो, है ना? मैं कन्यास के घर जा रही हूँ और वो भी एलिस से मिलने, और वो एलिस भी, वो कहती कुछ और है और करती कुछ और है। ये ऐसा लग रहा है ये घर नहीं है। आप सबकी बातों से ये लग रहा है कि कोई सीबीआई का टॉर्चर चेंबर। संभाल के बात करो पियोत्रो, क्योंकि इसके जिम्मेदार तुम हो, तुम इसी टॉर्चर चेंबर में रहते हो। माशा 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 माशा, हर वक्त यही सुनाई देता है कि माशा माशा माशा, कुछ और भी तो बोल सकते हो तुम। अब शांति हो जाओ प्लीज। एना रुको, देखो अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं। न्याज ने उस दिन मुझे भी न्योता दिया था एक पड़ोसी की हैसियत से, तो मैंने सोचा कि। क्या सोचा? आपको भी डर है मैं स्टोलमैन से मिलने जा रही हूँ? मुझे बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। तुम एक अडल्ट हो, तुम जिससे चाहो मिल सकती हो, ये तुम्हारी मर्जी है, सिंपल। लेकिन अभी तुम स्टोलमैन से ही मिलने जा रही हो ना? ओह हद है। ये मैं कोई बिना वजह नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि तुमने वहां कुछ देखा था ना? उन्हें मेरोनो के घर के करीब लाश मिली, वो वहां कैसे पहुंचा? हमला होने के बाद वो कुछ दूर चलकर गया और फिर वहीं गिर गया, पर मैं कुछ देख नहीं पाया, अंधेरा ज्यादा था। ये सब कैसे हुआ? तुम्हें तो काफी तजुर्बा है। वो चार लोग थे और वो दोनों तरफ से चलती गाड़ी में चढ़ गए। दो लोगों ने उसी वक्त मुझे गाड़ी से नीचे फेंक दिया और दो गाड़ी लेकर चले गए। उस वक्त नीना आर्का देविना गाड़ी के अंदर ही थी, वैसे वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाए होंगे। ढूंढो उसे, शहर जाओ और लोगों से बात करो, गुंडों को पैसे देकर करवाओ, कुछ भी करो, लेकिन मुझ तक नहीं आना चाहिए। मैं समझ गया। मिस निजिंस्किया अंदर हैं क्या? पता नहीं, मैंने आज उन्हें सुबह से नहीं देखा। क्या आपने मिस निजिंस्किया को देखा था? जी हाँ, कल देखा था। क्या कल रात से पहले? नहीं, उससे पहले नहीं देखा था। क्या वो अपने कमरे से बाहर निकली थी? जी हाँ। अकेली? अकेली ही। ओके थैंक यू।
मिस्टर स्टॉलमैन, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून मिस्टर ब्राउन. आप यहाँ नीना आर्कादेविना से मिलने आए हैं? हाँ, मगर वो यहाँ पर है नहीं. मैं अभी यहाँ उनका आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन वो अभी तक आई नहीं. हमारी मुलाकात तय हुई थी. शायद वो देर से आएंगी. मैं उनके लिए एक किताब लाया था. दरअसल मैं यहाँ इस शहर में कभी कभी ही आता हूँ. ये मेरी केमिस्ट्री की किताब है. मैं ये लिखता हूँ ताकि सभी को केमिस्ट्री पसंद आए. दरअसल ये विषय ही कुछ ऐसा है कि करना पड़ता है. मतलब नीना को केमिस्ट्री में काफी इंटरेस्ट है. हाँ जी, बहुत ही ज्यादा. और शायद इसीलिए उन्होंने कुछ दिनों पहले ये किताब मुझसे मांगी थी. क्या वो आपसे कुछ लेसन भी लेने वाली है? हाँ, लेसन. मैं उसे बहुत जल्द ही लेसन देने वाला हूँ. तब तो काफी मजा आने वाला है. वैसे ये किताब आप रिसेप्शनिस्ट को दे दीजिए. थैंक यू. आज उसे जाने दो, मैं तुमसे सेफ हाउस में मिलता हूँ. यस सर. प्योत्र इवानोविच, एना विक्टरोवना, आपसे मिलकर खुशी हुई. किरिल व्लादिमिरोविच, देखिए आपने मुझे बुलावा भेजा और मैं आपका मान रखने के लिए चला आया. बहुत ही अच्छा किया आपने. मैं आपके लिए कॉफी ऑर्डर करता हूँ. सिगार? सिगार चलेगी. सिगार को मैं मना नहीं कर सकता. तुम इस हैट में बहुत सुंदर लग रही हो. साथ में जाम भी हो जाए. सुबह पहले क्यों नहीं? तो फिर मैं मना नहीं करूंगा. बिल्कुल, सुबह जाम का मजा ही कुछ और है और सेहत के लिए अच्छा भी रहता है. तो फिर हो जाए हमारी सेहत के नाम. सेहत के नाम. तो मिरोनोव फैमिली का क्या हाल है? फैमिली का? फैमिली में तो सब ठीक ही है, सब अच्छे हैं. किरिल व्लादिमिरोविच, आप नीना आर्कादियेवना से आखिरी बार कब मिले थे? कल ही. वो मुझे कल यहाँ मिलने आई थी. सच कहूँ तो मुझे फिक्र हो रही है, उनकी जान खतरे में है. क्या मतलब है तुम्हारा? हमारे घर के बाहर एक आदमी की लाश मिली है और मैंने कुछ देखा भी है. मुझे लगता है आपको उनके होटल पर किसी को भेजना चाहिए. मैंने पहले ही भेज दिया है. मुझे लगता है कि वो ठीक ही है. ओह, थैंक यू फॉर दैट. इसमें थैंक यू की क्या बात है? एना, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? हाँ जरूर, क्यों नहीं. अंकल. प्योत्र इवानोविच, माफ करना. हेल्प योरसेल्फ प्लीज. अब बताओ तुमने दरअसल क्या देखा है ना? मैंने देखा कि उस आदमी की मौत के वक्त नीना आर्कादियेवना उसके पास थी, उसके करीब थी वो. मुझे तुमसे ये बात कह देनी चाहिए कि कल जब नीना आर्कादियेवना मेरे घर से निकली तब उस पर हमला हुआ था. उसे कुछ लोग उठा ले गए थे. मुझे तो ये भी नहीं पता कि अब वो कहाँ है. ओ नहीं. मैंने ये बात तुम्हारे अंकल के सामने नहीं कही. प्लीज बुरा मत मानना. नहीं रुके, हमें कुछ करना होगा. हमें पुलिस को बता देना चाहिए. ये बहुत ही नाजुक मामला है, हमें संभल कर कदम रखना होगा. मगर उसकी जान खतरे में है. हाँ, मगर मैं ये मामला खुद देखना चाहता हूँ और फिर तुम्हारा वो स्टॉलमैन, मुझे नहीं लगता कि वो उसे ढूंढ पाएगा. पता नहीं अब... एना, मैं यकीन दिलाता हूँ इस काम के लिए मैं काबिल हूँ. ये बताओ तुम्हें क्या लगता है, क्या वो अभी भी जिंदा है? नीना आर्कादियेवना? हाँ वो जिंदा है, मैं महसूस कर सकती हूँ. गुड, अच्छी बात है. रुको,
मैंने कहा कि रुको। कैसी है वो? हमेशा की तरह। उसने मेरे बारे में पूछा था? वो किसी के बारे में नहीं पूछती, कुछ नहीं पूछती। एलिस, एलिस मैं हूं एना। एलिस, ओ तुम वहां हो, चलो बाहर आओ, तुमसे कोई मिलने आया है। उठो उठो, अच्छी लड़की हो ना, जल्दी से उठ जाओ, चलो जिद नहीं करते। रहने दीजिए, अगर वो नहीं उठना चाहती है तो हम ऐसे भी बात कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं बाहर बैठती हूँ। हेलो डियर। कैसी हो तुम? आज मैं पूरे दिन फ्री हूँ, हम पूरा दिन साथ में बिता सकते हैं। पहले हम थोड़ी रशियन सीखेंगे, उसके बाद अगर तुम चाहो तो हम बाहर घूमने जाएंगे। पता है आज मैं पूरे दिन फ्री क्यों हूँ? मेरे फैमिली से मेरी बहस हुई है। हाँ, कभी कभी वो बर्दाश्त के बाहर हो जाते हैं, बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर। हाँ एना विक्टोरोवना, आज बहुत परेशान है। हाँ होना भी चाहिए, सुबह सुबह अगर आपको आपकी खिड़की के पास पुलिस को देखना पड़े और उसके बाद एक लाश भी देखनी पड़े तो। मगर एना को लाश देखने की आदत हो चुकी है, जैसे कि मैं जानता हूँ उसे कुछ खतरा दिखाई देता है। हाँ ये सही कहा आपने, लेकिन मौत को देखने का आदि नहीं होना चाहिए। मगर आप मरे हुए लोगों के साथ निरंतर बातें करते हैं फिर भी। हाँ ये आपने सही कहा, मगर ये आम बातचीत नहीं होती है, इसमें बहुत परेशानी होती है और वो भी हर बार। तो सर आपके लिए एक बार फिर से 2 रूबल्स। प्लीज प्लीज। चलिए गेम हो जाए, एक 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 गेम, बस एक एक गेम। हाँ खुशी से। चलो ठीक है, और हाँ ये एक और आपके लिए। थैंक्स। ठीक है, यू आर वेलकम। अगर देखा जाए तो एना अपनी काबिलियत का बेहतर इस्तेमाल कर सकती है। वो बीते हुए कल के कई राज मुर्दा लोगों से बातें करके जान सकती है, जैसे कि इवान की आत्मा को पूछ सकती है कि उसने अपनी लाइब्रेरी कहाँ छुपाई है, या किसी मजदूर की आत्मा को पूछ सकती है कि ये पिरामिड कैसे बनाए गए थे। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, दरख्वास्त अच्छी है आपकी, बहुत ही अच्छी सोच है। लेकिन ऐना को ऐसा लगता है और उसका ऐसा लगना जायज भी है कि अपनी बेकार की जिज्ञासा की खातिर किसी भी आत्मा को परेशान नहीं करना चाहिए। क्या आपका इसमें कोई निजी स्वार्थ है? नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही कहा। वाह वाह वाह, ये लीजिए 2 और रूबल्स आपके लिए। ओ प्लीज। तो पेत्रो इवानोविच। यस सर। आप यहां वेट कीजिए, सर थोड़ी देर में आपसे मिलने के लिए आएंगे। काफी मजेदार चीज है ना, मैं इसे जंगल में पंछियों को देखने के लिए इस्तेमाल करता हूं। कभी कभी कुछ
दिलचस्प चीजें देखने को मिल जाती है। मैं मुद्दे की बात करता हूँ आपसे। आप जानते हैं कि मिस निजिंस क्या इस वक्त कहाँ पर हैं? नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि उनका किडनैप हुआ हो। मुझे तो यकीनन पता है कि उसका किडनैप हुआ है। आपको पता है? करीब 12 बजे नीना अर्काडेवना मेरे घर से निकली थी होटल जाने के लिए। मेरा एक आदमी उसके साथ था और मेरे गेट के बाहर ही कुछ अनजान लोगों ने उस पर हमला किया और उसे उठा ले गए। लेकिन आपने हमें ये बात बताई क्यों नहीं? चाहता था। मैं सुबह से आपका ही इंतजार कर रहा था याकूब प्लेटोनोविच। मुझे लगा जब आपको लाश मिल जाएगी आप खुद ही आ जाएंगे। देखिए, मुझे उस आदमी से बात करनी है जो आखिरी वक्त नीना अर्काडेवना के साथ था। मुझे डर है ये मुमकिन नहीं है। मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया, वो शहर छोड़कर जा चुका है। और वैसे भी वो आपको क्या बताता, उसने किडनैपर्स को ठीक से देखा नहीं था। अगर आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं। क्या आप इसे पहचानते हैं? मैं नहीं। यह है क्या? ये मरने वाले की जेब से मिला था और मुझे शक है कि इसे आपके आदमी ने ही मारा है। नहीं नहीं, उसने किसी को नहीं मारा। आपको और कुछ पूछना बाकी है? नहीं, लेकिन मैं यहां पर दोबारा आऊंगा। और हाँ, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस केस में आप मेरी मदद करेंगे। बिल्कुल। और आपने ये भी नहीं पूछा कि मुझे उसके अपहरण की वजह मालूम है या नहीं। क्या आपको वजह मालूम है? नहीं, मगर आपने मुझसे नहीं पूछा ये देखकर लगता है कि शायद आपको मालूम है। और वो निशान कौन सा था याकूब लैटोनोविच जो आपको मिला था? एना विक्टोरोना, नीना का किडनैप हुआ है ये बात हम लोगों ने कंफर्म कर ली है ना? तुम अपना ख्याल रखना। मेरा इससे क्या लेना देना? तुम यहाँ अक्सर आती हो ना, इसीलिए मेरी सलाह है कि तुम कन्यास से दूर ही रहना। याकूब प्लेटोनोविच, तुम जानते हो ना मैं यहाँ कन्यास के लिए नहीं आती हूँ। हाँ पता है मुझे। कैसी है वो? कोई चेंज नहीं है, पर मुझे लगता है वो मेरी बात सुनती है। क्या वो भी उससे अक्सर बात करता है ना? मेरे अलावा कोई भी उससे बात नहीं करता, मगर कन्याज ने उसके लिए बहुत कुछ किया है। ठीक है, तुम जल्दी में हो? नहीं, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। गुड बाय। मैं पुलिस हूँ, क्या आपके यहाँ पोलैंड के लोग ठहरे हुए हैं? थे सर, लेकिन वो चले गए। कब चले गए? आज सुबह। अच्छा, कितने लोग थे? 5। कल 5 लोग आए थे और आज 4 लोग खाली कर गए। ये क्या मतलब है? कल रात 5 लोग बाहर गए थे, 4 ही वापस आए, 1 वापस नहीं आया, वो 4 आज चले गए। ओके, थैंक यू। लेकिन 5वें का सामान वो साथ में ले गए। 5वें आदमी का नाम क्या था? एक मिनट, वो कमरा नंबर 15 में रुके हुए थे। मिल गया, ये रहा, जैक कपलिंस्की, ऐसे उसने साइन किया था। यासे कपलिंस्की, क्या आपने उसका पासपोर्ट चेक किया था? हमारे यहाँ ऐसा जरूरी नहीं है सर, लोग जो कहते हैं हम उसे मान लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत गलत हो रहा है ये सब। पोलैंड से 5 लोग शहर में आए थे, उन्होंने कमरे भाड़े पर लिए थे जो आज चले गए। उनमें से एक कल बाहर गया था लेकिन वापस नहीं आया, उसका नाम था यासे कपलिंस्की। लोकल क्रिमिनल्स तो उन्हें नहीं जानते,
पर यहाँ उनकी काफी इज्जत है। ये कैसे मुमकिन है? लोग कहते हैं कि वो कोई वॉरसॉ ग्रुप का है। नाम क्या है? कोई छोटा मोटा है, नाम नहीं मालूम। लोग आपस में बातें कर रहे थे, शायद पोल्स होंगे। मैंने ये पहले भी देखा है, वो ऐसे निशान का इस्तेमाल करते हैं। कार्ड पे निशान का मतलब है कि ये उनकी वार्निंग है। मुझे भी वार्निंग मिली है। तुम्हारे पास ये कैसे आया? मुझे ये मेरी जेब से मिला सर। ऐसा लगता है जब मैं उस होटल से बाहर निकला तब किसी ने मेरी जेब में डाल दिया था। ये उनका ही काम है। तो अब क्या करें सर? क्या ये मेरे लिए वार्निंग थी? नहीं, मेरे लिए वार्निंग है एंटोन एंड्रेविच। ये सब कुछ एना विक्टोरोना के लिए किया जा रहा है। क्यों सर? क्योंकि इसका संबंध नीना से भी है। उन्हें निजंस किया क्यों चाहिए? वो लोग तो मर्डर के बारे में भी बातें कर रहे थे। बहुत सारी अफवाहें हैं, आप उन पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है मैडम, मिरोनोवा कहाँ है? अच्छा, मेरे कॉल का इंतजार करना। मुझे मेरा कोट दो और एना विक्टोरोना को यहाँ आने के लिए कहो। याकोब प्लातिनोविच तुम्हारा हाल चाल पूछ रहे थे, तुम्हें याद है ना वो कौन है? ओह, काश वो कभी मेरा भी हाल चाल पूछते। कितना आसान है ये। एना कैसी हो? मगर कभी नहीं पूछते। नहीं, मगर उन्हें मेरी फिक्र बहुत होती है, मैं जानती हूँ। लेकिन ये तो उनका काम है। वो कन्यास के बारे में भी पूछ रहे थे। याकोब प्लातिनोविच को उस पर शक है और वो कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। बहुत अजीब है वो। क्या हुआ? मेरे अंकल कहाँ है? वो मुझसे 10 रूबल जीत गए और फिर जल्दी में निकल गए। हमें विक्टिम का नाम पता चल गया है। उसका नाम याक्सिक कप्लिंस्की था। वो पोलैंड वाला याक्सिक कप्लिंस्की। देखो प्लीज, नीना को ढूंढने में मेरी मदद करो। मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दीजिए। याक्सिक कप्लिंस्की सामने आओ। याक्सिक कप्लिंस्की सामने आओ। याक, मुझे जंगल छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मुझे वहीं पर रुक जाना चाहिए था। उसने मुझे वो जंगल दिखाया। और एक झोपड़ी भी दिखाई। उसने मुझे वो जंगल दिखाया और एक झोपड़ी, जैसे जैसे किसी जंगल के रखवाले का घर हो। काफी पुराना, छत पे मोस जमा हुआ। नीना को उन्होंने वही रखा होगा। मैं किसी को वो जगह ढूंढने के लिए भेजता हूँ। आपको पुलिस को खबर करनी चाहिए। कर दूंगा। थैंक यू। बैठे रहिए। नेजिंस्की और ब्राउन का चक्कर आखिर कब से चल रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। वो लोग तो एक दूसरे से मिले भी नहीं जब से वो तुम्हें आखिरी बार मिले थे। मुझे मिस्टर ब्राउन के होटल रूम से कुछ खत मिले हैं। क्या हम वो खत पढ़ नहीं पाएंगे? पिछले कुछ दिनों से वो किससे मिल रही थी मुझे ये बताओ। सिर्फ कन्याज, और कन्याज अपना घर छोड़कर नहीं गया। तो कोई नया आदमी नहीं था? नहीं सर। क्या मतलब है नहीं सर? निजिंस किया गायब है। पिछली रात तुम कहां पर थे?
न्याज के घर से पहरा किसके कहने पे हटाया तुमने? सर वो तो आपने ही कहा था कि वो न्याज के घर के आसपास ना रहे और उस इंग्लिश मैन पर ज्यादा नजर रखे, तो उसने ऐसा किया। ठीक है, न्याज पर कड़ी नजर रखना और तुम निजिंस्किया को ढूंढने की कोशिश करो। ये रहा वो कार्ड जो मुझे लाश के पास से मिला था, ग्रोचोस्की शहर में ही है। क्या ये जरूरी है? वर्षा ग्रुप का बहुत बड़ा गैंगस्टर है वो। तुम एक काम करो, न्यास के घर पर जाओ और एना विक्टोरोना की भी रखवाली करने का काम तुम्हें ही करना है। एना विक्टोरोना, हर समय उसके साथ रहो तुम। ठीक है सर। और तुम पोलैंड के लोगों को शहर में ढूंढो, हो सकता है कि हमें कोई क्लू मिले जो हमें निजिंस्किया तक पहुंचा सके। देख क्या रहे हो, काम पर लगो। नक्शा चाहिए, एरिया आर्मी का नक्शा, जहां पत्ते गिरते हो और मिट्टी बिछी हो, हमें वहां तलाश करना होगा। वो लोग मिलिट्री गैरिसन हेडक्वार्टर से नक्शा ला रहे हैं। अच्छी बात है, पर उन्हें अभी तक यहां पर आ जाना चाहिए था। मेरी गलती है। ये बताओ जेंटलमैन, किसने मजेस्टी के मेड ऑफ ऑनर को किडनैप किया है? मुझे इसकी रिपोर्ट चाहिए हर हाल में। हमें इस बारे में अभी कुछ भी पता नहीं है सर, मगर जांच तो जारी है सर। हमने वो जगह पता लगा ली है जहां से उसे उठाया गया था। वो जगह? मुझे लगा तुम वो जगह बताओगे जहां उसे रखा गया है, पर बकवास। शहर के आसपास किसी बिल्डिंग या खंडहर में उसे रखा गया होगा, या फिर हो सकता है कि जहां पर शहर की सीमा खत्म होती हो और जंगल शुरू होता हो। लुनारिया रेडी वीवा। क्या वहां ऐसा जंगल है? क्या तुम यकीन के साथ ये कह सकते हो कि निजिंस्किया अभी अभी जिंदा है? मुझे यकीन है सर। तुम्हें यकीन होने की क्या वजह है? सर मेरी तहकीकात मुझे ऐसा कह रही है। तो ठीक है, मैं खुद इसकी जांच की देखरेख करूंगा और तुम आज रात को ही ऐसी जो भी जगह है उसका नक्शा तैयार करोगे। जी बिल्कुल सर। जहाँ जहाँ भी ऐसे जंगल है मैं खुद ही वहाँ जाकर सर्च करूंगा और तुम यहीं पर काम करोगे। मैं 24 घंटे की मोहलत देता हूँ उन मुजरिमों को पकड़ने के लिए और उस जगह का पता लगाने के लिए जहां पर नीना आर्क देवना को उन्होंने कैद करके रखा है। ठीक है सर। बिल्कुल सर। तो ठीक है, मैं जंगल की खुशबू से ही मदहोश हो जाऊंगा। यागो प्लोटनविच, आपने उन्हें यह क्यों नहीं बताया कि किसी पॉलिश आदमी का हाथ है इसमें? क्योंकि अभी तक हम पूरी तरीके से श्योर नहीं है, और दूसरी बात, हम अभी तक किसी आदमी से मिले नहीं हैं। सर आपसे मिलने कोई आया है? एना विक्टोरोना। क्या हुआ? पीछे मुझे कहां लेके जा रहे हो? सवाल मत करो, सब पता चल जाएगा। चलो। ऑल गुड, तुम कहां हो? तुम तो डर गए मेरे दोस्त। तुम यहाँ किसे शूट करने वाले हो? तुम्हें सीटी बजानी चाहिए थी ना। पिंजरा खोलो, तुम्हारे लिए दूसरा पंछी लाया हूँ।
एना विक्टरोना। आ जाओ, आराम से बैठो, यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, बैठो। हमें तो यहाँ ब्लैंकेट भी मिला है, आ जाओ, देख रही हो ना, बैठो। यहाँ पर कुछ लोग पोलिश बोलते हैं सर। देखने और बोलने में फर्क होता है एंटोन। क्या दोनों में कोई फर्क होता है? एक बार किसी को देखोगे तो पता चल जाएगा। नहीं सर, सब यहाँ के ही हैं। लगता है वो लोग जंगल में हैं और सबको ऊपर कैद करके रखा गया है। तो फिर हम बेकार में ही सारे बार्स के चक्कर लगा रहे हैं। तो फिर तुम घर जाओ एंटोन एंड्रेविच। और आप? मैं यहीं पर रुकता हूँ, शायद वो लोग खुद ब खुद यहाँ पर आ जाएं। क्या सर आप भी? मैंने कहा ना तुमसे, तुम घर जाओ। आप जानते हैं मैं आपको अकेले छोड़ नहीं सकता। याकोब रोडनविच, वहां देखिए। कहाँ? कॉर्नर में। इसी आदमी ने मेरी जेब में कार्ड डाला था जो मुझसे टकराया था। ये वही है? मुझे अच्छी तरह से याद है सर। एंटोन एंड्रेविच, क्या तुम उस लड़की से अभी मिलते हो? लड़की से? हाँ, लड़की। ओ हाँ, अभी हाल ही में हमने साथ में मिलके पियानो बजाया। ठीक है, तुम उस तरफ जाओ, जल्दी जल्दी जाओ। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। और इस हालत में वो कब से है? आज सुबह से। ऐसा पहले भी किया है ना उसने? हाँ, लेकिन इस बार तो बाहर जाने का नाम ही नहीं लेती। मैं समझ सकती हूँ क्यों। मैं खुद सहम जाती हूँ जब उस हादसे के बारे में सोचती हूँ। हेलो बेटा, कैसी हो तुम? अगर तुम बेड के नीचे ही रहना चाहती हो तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, मगर ऐसे तुम्हें पता नहीं चलेगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। तुम्हें देखना नहीं है, मैं बहुत ही अच्छी चीज लाया हूं। और देखो, तुम्हें कुछ जानने की भी पड़ी नहीं है। ये लड़की के बारे में किताब है, उस लड़की का नाम है एलिस। तो सुनो, एलिस नदी के किनारे बैठी थी और उसके पास करने को कुछ भी नहीं था। कभी कभी वो किताब में झांक लिया करती थी, मगर उसमें कोई भी पिक्चर नहीं थी। और अब मैंने किताब बंद कर दी है, जब तक तुम बाहर नहीं आओगी मैं आगे नहीं पढ़ूंगा। बढ़िया, कैसी हो तुम? एना कैसी है? एना को कुछ नहीं होगा, मुझे यकीन है उसे ढूंढ लिया जाएगा। एना की फिक्र हो रही है, वो कहाँ है? फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नींद की गोली लिख देता हूँ। फिक्र हो रही है, वो दुश्मन है, एना का दुश्मन। यहाँ कोई किसी का दुश्मन नहीं है। वो दुश्मन है, सबका दुश्मन, न्याज दुश्मन है। ये क्या कह रही हो तुम? नहीं, न्याज दुश्मन नहीं है, न्याज तुम्हारा दोस्त है, वो तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त है, मेरा यकीन करो। मेरी दोस्त है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे हॉस्पिटल जाना है। न्याज ने एना को किडनैप किया है, न्याज ने मेरे पिता को किडनैप किया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, यहाँ आखिर ये सब हो क्या रहा है? मैं कुछ भी नहीं जानता। तुमने वो कार्ड मेरी जेब में डाला था, क्वीन ऑफ हार्ट्स वाला कार्ड।
तो क्या मैं तुम्हें पहचानूंगा नहीं? मुझे अच्छी तरह से याद है याकोब प्लेटोनोविच। कौन सी क्वीन? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैं नहीं जानता उन्हें। अच्छा, अगर ऐसा है तो हमने तुम्हारे वर्षाव की जानकारी के लिए पूछताछ की है। अब तुम्हें काफी समय के लिए यहीं पर रहना होगा। मैं कितनी बार कह चुका हूँ मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस यहाँ घूमने के लिए आया था। क्या ये भी गुनाह है? क्यों आए थे तुम यहाँ? यहाँ की खूबसूरती देखने। अच्छा, तो यहाँ पर इतनी खूबसूरती है कि उसके बारे में वर्षाओं में भी बातें होती है ना? बिल्कुल, इस बारे में वॉरसॉ के बुजुर्ग ऐसा ही कहते हैं। अगर तुमने ज़टोंस्क नहीं देखा तो तुमने यूरोप नहीं देखा। इसे मजाक सूझ रहा है कमीना। मजाक कर रहा है? मेरी जेब में कार्ड डाल के हमारे सामने बैठकर हंस रहा है ये। तुम्हें वो कार्ड डालने के लिए किसने कहा था बोलो? तुम्हें बताना ही होगा। मुझे क्वीन वाले कार्ड के बारे में कुछ नहीं पता। काम चल रहा है ना जेंटलमैन? बहुत बढ़िया। ये कौन है? इसने ही मेरी जेब में कार्ड डाला था जैसा क्रिमिनल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कबूल नहीं कर रहा है। क्या ये किडनैपिंग का केस है? जी बिल्कुल। मुझे लग रहा है इसका कोई हाथ है इसमें। क्या ये कसूरवार है? तभी तो यहाँ पर ये बैठा हुआ है सर। यहाँ बहुत गर्मी है, मैं बात करता हूँ। सीधे सीधे बताओगे या मैं कुछ और करूं? कोई दूसरा तरीका अपनाऊं? मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। थोड़ी देर हमें अकेले छोड़ दो। मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, मैं तुमसे कुछ भी उगलवा सकता हूं। बोल, बोल, सच बोल, बता, मेरी कोई गलती है? बता, जल्दी बता, बोल जल्दी, बोल सच बोल, बोल, बोल वरना बोलने के लायक नहीं रहेगा, बोल। ये तो पुराना तरीका है सर। बोल, बता, सच बता। सर रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते सर, यहीं रुकिए। रुको। क्या तुम प्लीज बताओगे कि मेरी बेटी कहाँ है? हम ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे हैं? तुम्हारी वजह से वो किडनैप। विक्टर इवानोविच प्लीज शांत हो जाइए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। भाड़ में जाओ तुम यहाँ आराम से बैठे हो। तुम्हारा कैप्टन कहाँ है? वो काम में बिजी है। क्या मतलब के काम में है? आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते विक्टर। सच बता, बता, बोल वरना बहुत मार खाएगा। बता क्यों नहीं, बोल। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ विक्टर? मुझे शिकायत दर्ज करानी है पुलिस के खिलाफ। आप मेरी केबिन में आइए, वहीं बैठकर बात करते हैं, वहाँ बात करना अच्छा होगा विक्टर। चलिए आइए। मेरी गलती है सर, मुझसे गलती हो गई, मैंने उन्हें रोका था। बेवकूफ कहीं के, जाओ अपनी जगह पर, जाकर मार्च करो। अब वो बोलने को तैयार है, उसकी अकड़ खत्म हो गई है। तुम लोग अपना काम चालू रखो, चालू रखो। उन्हें कहाँ रखा हुआ है बोलो। सर मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। मुझे यहाँ रुकने के लिए कहा गया था, मैं नहीं जानता कि वो औरतें कहाँ पर हैं। सर ग्रोजोस्की कहाँ है मुझे बताओ। मैं नहीं जानता सर, मैं तो सिर्फ एक छोटा सा प्यादा हूँ सर। मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन तुम वहां जाओगे और कहोगे कि कल दोपहर 12 बजे मैं यार मार चुनाया स्ट्रीट पर ग्रोस्की का इंतजार करूंगा। अगर वो नहीं आया तो मैं उसे ढूंढ लूंगा और फिर ढूंढ कर उसे मैं खत्म कर दूंगा। तुम्हें ऐसा बोलना है। जाने दो इसे, चलो उठो, चलो यहां से। अब उठ जाओ।
खड़े होने की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग योर हाइनेस। गुड मॉर्निंग निकोलस सर, हम रात में यहीं सो गए थे। गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, मैंने भी अपनी केबिन में रात बिताई है, और क्यों नहीं, जब राजा नेपोलियन काम के धुन में अपने महल में काम की जगह पर सोकर रात बिताए थे, तो हम लोगों ने भी अपने ऑफिस में रात बिता ली। सुनो, हम लोगों के लिए 3 चाय भेजो। थैंक यू सो मच, चाय की सच में बहुत ही जरूरत थी। माफ कीजिएगा, मैं जरा मुंह धोकर आता हूँ। तो आप लोगों की जंगल के बारे में जांच कैसी चल रही है ऑफिसर? सर, मैंने वो ढूंढ लिया है, ऐसी जो जगह है उन्हें जहाँ से मिट्टी वाले जंगल शुरू होते हैं। इसके अलावा देखिए, नक्शे में अलग अलग कुछ निशान है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये कुछ निशान है, और ये सॉमिल है, और ये शिकारी की झोपड़ी है, और कुछ मछुआरों की झोपड़ियाँ हैं। बहुत बढ़िया, बढ़िया काम है। ये क्या है सर? ये तो लकड़ी काटने का कारखाना है। लकड़ी काटने का कारखाना, हम लोग यहीं से काम शुरू करने वाले हैं। मैं यहाँ से मुख्य दस्ते का नेतृत्व करूँगा, दूसरा दस्ता यहाँ से होकर जाएगा, और तीसरा यहाँ से होकर जाएगा, और इस तरह हम जतोंस्क में प्रवेश करेंगे। वो भाग नहीं पाएंगे। और तुम पूरे शहर को छान मारोगे जेंटलमैन। गुड मॉर्निंग। नहीं, यहाँ कोई आईना नहीं है, लेकिन मेरे पर्स में एक है, पर गार्ड मुझे जाने नहीं देगा। मुझे नहीं लगा मैं सो पाऊंगी, लेकिन मैं सो गई। तुम थकी हुई थी, लंबा सफर तय किया ना। वो आपसे क्या चाहते हैं? मुझे नहीं पता। और तुमसे? मुझे भी नहीं पता। हमारा खाना बन रहा है। क्या नाम था इसका? ओलगर्द। क्या प्लीज हमें तुम्हें कायना लाकर दे सकते हो? ये इतना मुश्किल भी नहीं है, हम आईने के बिना नहीं रह सकते। बस एक बार लाकर दो, हम देखकर लौटा देंगे, प्लीज। थैंक यू, मुझे भूख नहीं है। क्या तुम्हें लगता है याकोव हमें बचा लेगा? याकोव प्लैटनविच जरूर बचाएगा हमें, लेकिन अभी उसके पास उसके सारे रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं हैं। कौन से? तुम्हारी मदद। ताना मार रही हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे पता है कि तुम उसके लिए कितना कुछ करती हो। वो सेंट पीटर्सबर्ग में बुरा था क्या? वो लाजवाब था, लेकिन उसकी मदद के लिए उसके अलग रिसोर्सेस थे। कौन से रिसोर्सेस? मैं। तो आप ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि याकोव प्लैटनविच एक बुरे जासूस है? मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। तुम उससे आखिरी बार कब मिली थी? कल ही मिली थी, मेरे यहाँ आने से कुछ देर पहले मिली थी। वो कन्यास से मिलने आया था। कन्यास से?
वो किस बारे में बात कर रहे थे? मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बात की, लेकिन मुझे इतना पता है कि याकूब प्लातिनविच को आपके अपहरण की वजह अच्छी तरह से पता है। क्या उसने ऐसा कहा? नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगा। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही। मिस्टर स्टॉलमैन, मुझे आपको वहां ले जाने का आदेश दिया गया है। कैसा आदेश? कहां ले जाने का? जहां वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। प्लीज मेरे पीछे आइए, बाहर एक कोच रेडी है। आंखों पे पट्टी बांध लो। ये किस लिए? ऐसा ही जाना होगा। क्या बेहूदगी है ये? होटल है? बेशक सर, आपको जिसने बुलाया है उनका यहाँ एक डिलक्स सूट है। तो इतनी देर से मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बंधवा कर रखा? यही हमारे मालिक ने आदेश दिया था। प्लीज। कहिए मिस्टर स्टॉलमैन, कैसे हैं आप? मुझे आंखों पर पट्टी बंधवा कर क्यों लाया गया? आप अपना रिवॉल्वर मेरे आदमी को दे दें। जान सकता हूं कि आंखों पर पट्टी क्यों बंधवाई आपने? तुम्हें काफी हैरानी हुई होगी ना। चिंता में होगे, रास्ते के मोड़ गिन रहे होगे, हर आवाज को सुनने के बाद। और मैं यहाँ पर आराम से बैठा हूँ तुम्हारे सामने। काफी मजेदार है ना ये, है ना? सच कहा ना? मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूँ वो ज्यादा मजेदार रहेगा। पर किस लिए? मैंने तो कोई गलत काम किया ही नहीं, फिर किस इल्जाम में मुझे तुम गिरफ्तार करोगे? पहले ये तो बताओ, किन लोगों ने आपको आने को कहा? तुम्हारे ही लोगों ने। दरअसल वो लोग पॉल्स की तलाश कर रहे हैं और मेरे पास एक फ्रेंच पासपोर्ट है जो बिल्कुल असली है, जिसे बनाने में फ्रांसीसी दूतावास के एक व्यक्ति ने मेरी मदद की थी। लेडी निजिंस्किया, लेडी मिरिनोवा और पेन ग्रोजोस्की कहाँ है, मुझे ये बताइए। तुम अभी गलत सवाल कर रहे हो मिस्टर स्टॉलमैन। ये बताओ मेरे पैसे कहाँ है? कैसे पैसे? तुम्हें पैसे पहले ही मिल चुके हैं। मुझे एक भी पैसा नहीं मिला है। लेडी निजिंस्किया ने आपको पूरे पैसे दिए थे। मेरे आदमी को पैसे मिले और फिर अगले ही दिन वो मारा गया। उसके पास पैसे नहीं थे। और तुम्हें एक बात बता दूं, वो पैसे तुम्हें भुगतान करने होंगे। ये सब क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुमने उस मैडम के साथ मुझसे एक चाल चली और ऐसा ही हुआ है। जैसे ही तुमने उसे पैसे दिए, फिर क्या? ये क्या बकवास कर रहे हैं? पैसा तुम्हारे आदमी को दिया गया था, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कान खोल कर सुन लो। मुझे ऐसा लगा था कि मैं शायद एक इज्जतदार आदमी के साथ इस खेल को खेल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए तुम्हें भुगतान करना ही होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि फिर तुम उस मैडम को नहीं देख पाओगे। अब उन्हें जिंदा दफनाया जाएगा या फिर दलदल में डुबो दिया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुझ पर ये बेबुनियाद आरोप है, लेकिन लेडी मिरिनोवा का इससे क्या लेना देना है? पैसे लेकर आओ मिस्टर स्टॉलमैन, पैसे लाओ पैसे। कल तक का टाइम है तुम्हारे पास। मैंने उस कर्जे को पहले ही एक बार चुका दिया था। याकूब प्लैटोनोविच, क्या आप नहीं जानते?
नीना मेरे पास आई और कहा कि उसे पैसे की जरूरत है बहुत ज्यादा, और मैंने उसे पैसे दे दिए थे। क्या उसने ये कहा था कि पैसे मेरे लिए हैं? उस समय पर तो नहीं, लेकिन जब हमारी बातचीत हुई तब मुझे पता चला। मेरे लिए ये तो बहुत ताज्जुब की बात है। मैं समझता हूँ। मैं अब चलना चाहूंगा। याकूब लैटोनोविच, रुको रुको, मुझे इतनी जल्दी इतने सारे पैसे तो नहीं मिल सकते, लेकिन हमें कम से कम उस जुए के कर्ज का पैसा देना पड़ेगा। प्लीज यही रुको, मैं घर में जितनी भी कैश है लेकर आता हूँ, और कैश पेमेंट करने के लिए एक प्रॉमिसरी नोट भेज दो। रुको। बोर हो रहा है, क्या तुम किसी को बुला सकती हो? किसे? पुश्किन एग्जाम्पल के लिए। किस लिए? वो हमें एक परी कथा सुनाएगा राजा सल्तन के बारे में। मैं बुला सकती हूँ, लेकिन आप उसे देख नहीं पाएंगी। लेकिन तुम बता सकती हो कि वो कैसा था। भाई, ये वही है। उसने मुझे मार दिया, उसने मुझे मार दिया। कौन हो तुम? तुम किससे बात कर रही हो? तुम्हें कुछ दिख रहा है? क्या बात है? क्या कहा आपने? क्या बात है? हमारे गार्ड का एक भाई था, वो मर चुका है। तुम्हें कैसे मालूम? वो आया था। उसने क्या कहा? उसने पोलिश में एक गीत गाया। पोलिश में एक गीत? ये हमारी मदद कैसे कर सकता है? एंटोन, क्या अपडेट है? एक दस्ते से खबरी आया था सर, वो सभी दक्षिणी दिशा में गए थे, अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। वो गांव में रात बिताने वाले हैं। ये तो बुरी खबर है। जी हाँ, मेरे पास एक प्लान है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। कैसे पैसे? वो फिरौती मांग रहे हैं। एंटोन जरा इसे खोलो। क्या मैं? सर क्या ये असली है? ये सिर्फ डाउन पेमेंट है। गोवोस्की होटल में रहता है और तुम्हें। कौन कौन कौन? बीच में मत बोलो, मैं होटल जा रहा हूँ, तुम्हें मेरे साथ आना होगा, लेकिन तुम्हें कोई पहचानना नहीं चाहिए, समझ गए? मैं समझ गया। पैसे देने के बाद हम उसे पकड़ लेंगे। पहले कागज पे नंबर्स लिख लो और सभी की लिस्ट बना लो। सभी के? हाँ एंटोन, सभी के नोट करने पड़ेंगे। हम कब निकलेंगे? जैसे ही तुम्हारी लिस्ट पूरी हो जाती है। क्या हमें किसी को साथ ले जाना चाहिए, मतलब बीमा के रूप में? मेरे पास एक आदमी है जो हमारे साथ होटल में आएगा। तुमने कहा उसका भाई गाना गा रहा था। हाँ। क्या तुम्हें वो गाना याद है? हाँ, थोड़ा बहुत याद है। क्या तुम उसे गा सकती हो? हाँ, लेकिन किस लिए? इससे हमारा पहरेदार यहाँ आ सकता है, फिर हम भाग जाएंगे, उसे यहाँ बंद कर देंगे, ठीक है? समझ गई? क्या हम ये कर पाएंगे? हम कोशिश तो कर सकते हैं। चलो देखते हैं कि वो क्या करता है। चलो। हाँ। Вśród nocnej ciszy głaz się rozchodzi. तुम्हें ये गाना कैसे पता? ये तुम्हारे भाई का गाना है। वो तुम्हारे लिए आया था। तुम आंद्रेस को कैसे जानती हो? मैं उसे नहीं जानती, वो मर चुका है। तुम चुड़ैल हो। चुड़ैल अपना मुंह बंद करो। मैंने कहा अपना मुंह बंद करो। तुम मेरे भाई को नहीं जान सकती।
चुड़ैल कही की ऐसा क्यों किया आपने? हम तो बस भागना चाहते थे ना। चलो भागो यहाँ से, चलो। चलो चलो। अरे ने किसी को देखा? तुमने क्या सोचा था मिस्टर स्टॉलमैन कि तुम मुझे चकमा दे दोगे? नहीं नहीं, यह होटल नहीं है। क्या तुम मुझे बदले में ले जाना चाहते थे? कितने भोले हो, बहुत ही बेवकूफ हो तुम। तुम्हारे काम में यह शोभा नहीं देता। मुझे तुम ये बताओ कि तुमने आखिर यह सब क्या सोचकर किया? ये सिर्फ डाउन पेमेंट है, आज मैं इतना ही ला पाया और कल दोपहर के बाद मैं बाकी के पैसे भी दे दूंगा। सच कह रहे हो? तब तक मैं यहाँ इंतजार कर सकता हूँ। और फिर पुलिस आएगी और मुझ पर किडनैपिंग का आरोप लगाएगी। फिर जैसा तुमने सोचा होगा वो सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा, है ना? देखिए, मुझे यहाँ ढूंढते हुए कोई नहीं आने वाला। औरतों को जाने दीजिए, मैं यहाँ पर बंधक के रूप में बैठूंगा। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि औरतें यहाँ पर हैं? निहायत ही भोले हो तुम। वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ से बहुत दूर है। पैसे अगर मुझे कल मिलेंगे तो औरतें भी तुम्हें कल मिलेंगी। और तब तक मैं यहां पर करूंगा क्या, सिर्फ ताश खेलने के अलावा? वैसे तुम करना क्या चाहते हो? कुछ भी तो नहीं, पूरी रात मैं यहां पर बैठा तो नहीं रह सकता ना, इसलिए ताश खेलने की कोशिश कर रहा हूं। तुम खेलोगे मेरे साथ? नहीं, मैं तुम्हारे साथ कार्ड बिल्कुल नहीं खेलूंगा। लेकिन क्यों नहीं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसमें तुम्हारी कोई चाल हो। कैसी चाल होगी, ये तो सिर्फ एक खेल है। नहीं, तुम तो जानते हो कि उस वक्त हारने के बाद मैंने ना खेलने की कसम खाई थी। और उस दिन के बाद मैंने आज तक कभी नहीं खेला है। हाँ, ऐसा हो सकता है। मुझे एक रीमैच खेलना है। तुम्हें डर लग रहा है ग्रोवोस की? सच बताना। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला। हम कहाँ जा रहे हैं? क्या फर्क पड़ता है? मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई पीछा कर रहा है। कहीं मैंने उसे मार तो नहीं किया? नहीं, आपने नहीं मारा, नहीं मारा। वो हमें पकड़ नहीं पाएगा, भले ही वो पीछे आ जाए। नहीं, हम इस डेक के साथ नहीं खेलेंगे। ठीक है, मैं जोर नहीं दूंगा, लेकिन क्या कोई दूसरा डेक है तुम्हारे पास? काफी अजीब सवाल है। सुनो थॉमस, जरा मेरा सूटकेस तो लेकर आना।
बता दूं कि मैं अपने सूटकेस के बिना घर से नहीं निकलता। ये रहे सभी डेक और इन सब पर फैक्ट्री की पैकिंग भी है, कोई भी एक उठा सकते हो। बुरा मत मानिएगा मिस्टर ग्रोवर्स की, लेकिन इन पे निशान किए गए हैं। सच में? दिखाना तो। खुद देख लीजिए। यहां एक कोने पर निशान है और दूसरा निशान ये देखिए यहां पर। अजीब है, बहुत ही अजीब है ये। देख रहे हो ये सब? वो लंदन से मेरे लिए ये डेक लाए थे, कोई दूसरा लेकर आओ। और इसमें ये सफेद निशान, इसे कोई तुरंत तो नहीं देख सकता, लेकिन ये कटा हुआ है किनारों से, आप खुद देख सकते हैं। सुई से छेद किया गया है। इस पर भी एक छेद है। और कई जगह से कार्ड की चमक गायब है। तुम खुद देख सकते हो कि कई जगह पर तस्वीरें काफी नकली लग रही हैं। हो सकता है। वैसे मैंने पूरे यूरोप से ये सारे डेक इकट्ठा किए थे और ताज्जुब है सभी पर निशान है। आप इन दिनों किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं मिस्टर ग्रोवर्स की। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ भी हो सकता है मिस्टर ग्रोवर्स की। हाँ, ये कार्ड्स थोड़े ठीक हैं। वैसे मान गए, तुम एक बहुत ही होशियार जासूस हो जिसकी निगाहें बहुत ही तेज हैं। लेकिन आपसे ज्यादा नहीं हूं मैं। तो क्या हम खेल शुरू करें? तुम्हें आता है? ये नया खेल है, लोग इसे पोकर कहते हैं। इंटरेस्टिंग खेल, पोकर नाम है इसका। अमेरिकन है ना? हाँ, बहुत बढ़िया खेल है। मैंने दो बार खेला है, ज्यादा नहीं खेला, लेकिन मजा आता है इस खेल में। तो अब हम खेल शुरू करें। हमें आगे बढ़ना होगा। कोई आइडिया है कहाँ? नहीं, हम लोग वहाँ से आए थे। हाँ, सही कहा आपने। तो हमें आगे जाना है। वहाँ क्यों? क्योंकि ये जगह उससे बहुत दूर मुझे है। लगता है हमें उस रास्ते से जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पूरब है, सूरज वहाँ से उगता है, और जब वो मुझे लाए थे सूरज पश्चिम में था। हमें पूरब में जाना होगा। इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें बस्ती और लोगों को खोजना होगा, वो कहीं भी हो सकते हैं। चलो जल्दी चलो। तो ये आखिरी चाल। तो हम शो कर सकते हैं? ठीक है। वैसे तुम आज काफी लकी हो, आज का दिन तुम्हारा है। ये बात लक की नहीं है, कैलकुलेशन की है। तुम सब कुछ गिन नहीं सकते, इसीलिए तो उस वक्त मुझसे हार गए थे। मैंने सही कहा ना?
शायद तब मेरी किस्मत खराब थी। हाँ ये भी सही है। उस दिन का खेल अलग था और आज का खेल थोड़ा अलग है। ये गिनती वाला खेल है, पोकर। इस खेल को आपने खुद चुना है, उम्मीद है आप इसमें उस्ताद हैं। उन्होंने हमें किडनैप क्यों किया था? मुझे नहीं पता। जो मुझे लेकर गए थे उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया, मेरे सवालों का जवाब भी नहीं दिया। मैं कर लूंगी। ये कार्ड के कर्ज के कारण है? तुमने ऐसा क्यों कहा? अजीब है, स्टोरमैन कभी जुआ नहीं खेलता। अजीब बात है। क्या किसी आत्मा ने बताया? हाँ। और क्या बताया तुम्हें, बताओ। और कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि याकूब प्लातिनविच को इस बात का अंदाजा है कि आपको क्यों किडनैप किया गया। सच में? हाँ, और इसका अतीत में एक कार्ड गेम से कुछ लेना देना नहीं है। आपको इस बारे में क्या पता है? मुझे कुछ नहीं पता। आपको पता नहीं है या आप मुझे बताना नहीं चाहती हैं? देखो, अगर हम साथ में हैं इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे ऐसे बात कर सकती हो। ये अधिकार तुम्हें किसी ने नहीं दिया है। हाँ, लेकिन मुझे जानने का अधिकार है कि मुझे किडनैप क्यों किया गया। मेरा कार्ड से कोई लेना देना नहीं है। मेरा भी नहीं। मुझे लगता है हम गोल गोल घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि सूरज कभी दाएं होता है कभी बाएं। लेकिन वो एक जगह नहीं रहता। हाँ, लेकिन फिर भी उसे हमारी बाएं ओर ही होना चाहिए। मैं एक और कदम नहीं चल सकती हूँ। क्यों नहीं? बाहर में जाए, जब तक कोई हमें नहीं ढूंढता मैं नहीं चलूंगी। हाँ, ये बेवकूफ़ी है। मुझे परवाह नहीं है, कोई मशरूम चुनने वाला, कोई शिकारी, कोई तो आकर मुझे ढूंढ ले प्लीज़। मैं थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। नहीं, आपको ऐसे घबराना नहीं चाहिए। मैं घबराती नहीं हूँ, मैं बहुत ही शांत बैठी हूँ। वो हमें ढूंढ लेंगे, है ना? स्टॉलमैन हमें ढूंढ लेगा ना? हाँ, ठीक है, तो फिर हम यहाँ आराम करते हैं, थोड़ी देर में निकलेंगे। मैं कहीं नहीं जा रही, यहीं बैठी हूँ। चलते रहो। योग्रेसिन, आगे 100 मील है। जी सर। आंखें खुली रखो, चलते रहो। तो फिर ये सब देता हूं। मैं तुम्हें एक डॉक्यूमेंट दूंगा थॉमस। तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? बेशक, आपने मुझ पर विश्वास किया था तो मैंने किया था, पर तुमने मुझे धोखा दिया। बेईमानी का आरोप लगाकर आप मुझ पर अपनी ईमानदारी पर विश्वास करने के लिए कह रहे हैं? मुझे अब एक रीमैच चाहिए। बिल्कुल होना ही चाहिए, पर मैं नहीं चाहता कि आप मुझे धोखेबाज कहें। आपके आदमी को पैसा दिया गया था लेकिन किसी ने उसे जान से मार दिया और हमें नहीं पता कि ये किसने किया। देखो, मान लेते हैं कि तुम उसमें शामिल नहीं थे, लेकिन तुम जांच के लीडर हो। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वो सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी? पैसे मिलने के बाद आंद्रेस को जान से मार दिया गया। ये एक डकैती थी और वो सावधान नहीं था, किसी ने देख लिया कि उसके पास पैसे हैं और ये सब हो गया। तो तुम्हें ये बात नहीं माननी है कि तुम्हारी शाही महिला ने ऐसा करवाया है, है ना?
वो पैसे कौन से थे जो स्टोलमैन ने खो दिया? उसके बाद क्या हुआ? बताओ मुझे उसके बाद क्या हुआ? पैसे मिलने के दौरान उसके साथ एक असिस्टेंट था, एक फ्रांसीसी, और उसी फ्रांसीसी असिस्टेंट को एक सराय में देखा गया जहां अंद्रेस का शव मिला था। किसी से बात कर रही थी? मैं एक आत्मा को बुला रही थी जो हमें यहाँ से बाहर निकाल सके। अच्छा, तो कोई नहीं आया। आपने आराम कर लिया? हमें जाना चाहिए। अगर हमें रात तक रहने के लिए कहीं जगह नहीं मिली तो हमें यहीं सोना पड़ेगा। क्या खेल शुरू करें? बिल्कुल, क्यों नहीं। मेरे आदेश के बिना हिलना मत। नक्शा मुझे दो। नक्शे में कुछ नहीं है। फिर ये झोपड़ी यहां कहां से आ गई? लाइन से आगे बढ़ो, उसे घेर लो। चलो सब लोग संभल कर। ये आग अभी लगाई हुई है। सही कहा सर। चलो देखते हैं। देख के लगता नहीं यहां कोई रहता है। क्या कहा? हाँ, ऐसा मुझे लगता है सर, लेकिन कल रात कोई जरूर था। मुझे नहीं लगता ये हमारे लोग थे। हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे नहीं पता। फिर तो बेकार है, हमें कुछ करना होगा। हम उस जगह पे नहीं रह सकते हैं। हाँ ठीक है, मैं समझती हूँ, लेकिन हम वहाँ मजे से बैठे थे, तुम हमें मुसीबत में फंसा रही हो। देखिए कोहरा आ रहा है, हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। जल्दी चलिए। ये कैसी बदबू है? ये कोहरा नहीं है, ये तो धुआं है, वो भी एसिड का। चलो चलिए। आप यहाँ क्यों रुकी हैं? जल्दी चलिए। नहीं हो सकता, इसे यही बंद कर दो।
पैन ग्रोवोस्की, क्या है? आपके लिए एक ऑफर है मेरे पास। देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि आपने मेरे साथ ये खेल ईमानदारी के साथ खेला है, ठीक है ना? हाँ, तो बात क्या है वो बताओ। जितना देना था मैं उससे ज्यादा जीत चुका हूँ, इसलिए एक सौदा करते हैं। आप मेरा कर्ज माफ कर दो और उन कैदियों को जाने दो, और मैं आपका कर्ज माफ करता हूँ, ये मेरा वादा है। अगर वो लोग जिंदा हैं और सही सलामत हैं तो मैं आपको शहर से बाहर जाने दूंगा और आपका पीछा नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है। हम एक सौदा कर रहे हैं, मेरी ईमानदारी की जीत का और आपकी ईमानदारी के खेल का। भाग गए वो दोनों, भाग गए। क्या कहा? हाँ, आज सुबह उन्होंने मुझे सर पर मारा और भाग गए। उन्हें कहाँ रखा था? कहाँ पे? चलते हैं, बहुत चक्कर आ रहा है। लेकिन यहाँ मुझे नहीं लगता वहां कोई होगा। वो रहा घर। कैसी हो तुम? मैं जिंदा हूँ। ग्रोवोस्की का हिसाब मैंने चुका दिया है। मैंने एक साल पहले ही उसे दे दिया, लेकिन उसे इस बात पे विश्वास नहीं है। चलो। तुम्हें किस पर विश्वास है बताओ? क्या मेरे मरने के बाद मुझे तुम्हारा जवाब मिलेगा? मैं यहाँ तुम्हें ढूंढते हुए आया हूँ। लेकिन तुम यहाँ मेरे लिए नहीं आए हो। चलो। कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, ठीक है, चिंता मत करो। हम स्टेज कोच पहुंचने वाले हैं और हाँ हाँ मैं संभाल लूंगी, तुम नीना की मदद करो। अपहरणकर्ता आखिर शहर से गायब कैसे हो सकते हैं? पनिजिंस्की और मिरोनोवा हमें मिल गए हैं सर। हम उन्हें पकड़ रहे थे लेकिन वो भाग कर चले गए। मैं समझ गया, वो यहाँ वापस तो नहीं आएंगे। तो क्या केस को ख़त्म समझें, फाइल बंद कर दें? जी सर। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि पूरे हंगामे की वजह क्या थी। मुझे आपसे बात करनी है सर। ये सब पुराने जुए के कर्ज की वजह से हुआ था सर। ओ, ये बात है। पोल्स ने मिरोनोवा और निजिंस्किया को नियास के आसपास देखा था, इसलिए उसने किडनैप किया और ब्लैकमेल कर रहा था। कहानी में ट्विस्ट है। अब सब कुछ ठीक हो गया, इसलिए मुझे लगता है कि इस बारे में बात ना करना ही समझदारी रहेगी सर। उम्मीद है आप किसी को बताएंगे नहीं। चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं कहूंगा, मैं वचन देता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आपकी सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। लेकिन फिर भी आपने उस जगह को ढूंढा कैसे सर? देखो एंटोन, जुए में जीत हासिल किए ये बात लिखना मत। जी मैं समझता हूँ। और वो अजीब कोहरा, वो क्या था? नेचुरल गैस थी। वैसे एंटोन, क्या तुम मुझे वो जगह मैप में दिखा सकते हो? हाँ हाँ, ये देखिए, ये यहाँ है।
जहाँ तक मैं समझता हूँ ये एक मिलिट्री एरिया है एंटोन। जी बिल्कुल सही, उस जगह से सिर्फ एक ही माइल पर एक मिलिट्री एरिया है। आप जरा याद करने की कोशिश करें कि कोहरे की गंध कैसी थी। फूल जैसी, जैस्मिन या मोगरे के जैसी। और जैसे ही आपको गंध आई उसके बाद क्या हुआ? मुझे चक्कर आए। हाँ? मतली भी। हाँ? और मेरा गला भी बैठ गया था। हाँ? और उसके बाद मैं बेहोश हो गई। आपको कोई इल्यूजन तो फील नहीं हुआ? नहीं, ये ऐसा ही था जैसे किसी ने बत्तियां बुझा दी हो बस। और आप कब तक बेहोश रही? मुझे कैसे पता होगा, लगभग 2 घंटे, शायद 3 घंटे। 2 से 3 घंटे, ठीक है। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मैं उस कोहरे का अध्ययन करता हूं। ये कुछ अजीब अजीब सी घटना है ये। सच में यहाँ ज़तोंस्क में? हाँ बिल्कुल, मैं किस्मत को थैंक यू कहता हूँ कि आप सही समय पर सही जगह पर हैं। जरा रुकिए, और वो खांसी, क्या वो खतरनाक है? इस वक्त आप जिस तरह से दिख रही हैं उसमें वैसा तो नहीं लगता। फिर भी मैं कहूँगा कि आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। ठीक है, मैं आपकी मेडिकल जांच जानने के लिए काफी उत्सुक रहूंगा कि बीमारी के दौरान आपकी हालत कैसी रही और आपने दवाएं क्या क्या ली, ये सारी बातें। बेशक, मैं डॉक्टर से बात करूंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मुझे यकीन है कि स्टोलमन को इस कहानी को गहराई में जानने की कोई दिलचस्पी नहीं है। नीना, तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं बेहतर हूँ। आपने मेरी सेहत के बारे में पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे मिस्टर ब्राउन मेरी सेहत के बारे में बहुत रुचि रखते हैं, और उन्होंने कहा कि वो उस कोहरे का अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि ये किसी प्रकार की दलदल का गैस का कोहरा है। और मिस्टर ब्राउन को उस कोहरे से प्यार है। मुझे लगता है मिस्टर ब्राउन को कोहरे से नहीं बल्कि तुमसे प्यार है नीना। मेरे साथ यहाँ आने के लिए थैंक यू वेरी मच। मजबूरी में ऐसे मिलना पड़ा, एक्चुअली मेरे डैड वो। उन्होंने मुझे घर आने के लिए मना किया है ना? हाँ, लेकिन ये गलतफहमी जल्द खत्म हो जाएगी मुझे यकीन है। एना, तुम्हारे डैड बिल्कुल सही हैं, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। तुम क्या सोचती हो एना? चलो तो हम कुछ और बातें करते हैं। तो फिर करते हैं, चलो। अच्छा एना, मुझे ये बताओ कि डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर कह रहे हैं कि मेरे गले में सूजन है, लेकिन वो जल्द ठीक हो जाएगी, अभी काफी बेहतर है। होप कि जल्दी से ठीक हो जाए। थैंक यू। वैसे एना, उस कोहरे में कोई गंध थी जो तुमने महसूस की हो? हाँ थी, लेकिन सांस वहाँ अटक रही थी, मीठी सी स्मेल थी। क्या तुम मुझे मेरी किडनैपिंग की वजह बताओगे? कोई वजह नहीं थी, बस एक गलतफहमी हो गई थी। एक वक्त था जब नियास और निजिंस्किया ने मेरी बहुत मदद की थी। और तुमने उनकी? तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब है तुमने उस आदमी की हत्या में जांच की लीडरशिप की है ना? हाँ मैंने किया है। और तुम्हें हत्यारा नहीं मिला? नहीं मिला मुझे, नहीं मिला। एक मिनट, तुम सोचती हो कि मुझे खरीदा गया है? नहीं, मैं तो सिर्फ। गेट वेल एना विक्टोरोना। याकूब प्लेटनविच, याकूब प्लेटनविच।
सॉरी तुम्हें परेशान कर रही हूँ, पर मुझे तुम्हारी जरूरत है। बात क्या है नीना? तुम सच जानना चाहते हो? ठीक है, यह हो सकता है कि तुमने कुछ ना किया हो। उस कर्ज को लेकर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। क्यों नहीं करूंगा? कुछ और बात है या फिर तुम मुझे सरप्राइज देना चाहती हो, ये बताओ। मैंने अपने आप को भी आश्चर्यचकित किया है। अब तो मुझे अनुमान लगाने से भी डर लग रहा है। तुम्हारी ऐना किसी वजह से सेंट पीटर्सबर्ग नहीं गई। तो वो तुम थी? तुमने उससे क्या कहा? मुझे नहीं पता कि कब तुम उसके साथ रहने की हिम्मत करने वाले हो, पर ऐसा पक्का होने वाला है। चिंता मत करो, मैंने उसे सीधे सीधे कुछ नहीं कहा। बस तुम ऐसी हालत में थे जहां तुम अपने आप को आग में डाल रहे थे, और तुम्हारा जो काम है इसमें यह सब करना बहुत आसान है। मुझे माफ करना, लेकिन मैं समझ सकता हूं। वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, पर तुम्हें फ्रीडम भी पसंद है। देखा, मैं तुम्हें कितनी अच्छी तरह से समझती हूं। हमेशा से तुम मुझे समझती आई हो नीना। Have a good day, Anton Androvich. याको प्लाटोनोविच भी आने वाले हैं क्या? हाँ, वो बाद में आएंगे। दरअसल घर के मालिक व्यापारी की लाश को उसके नौकर ने सुबह 5 बजे उसके ऑफिस में देखी थी। पार्टी पूरे जोर में थी। मेहमानों का स्वागत किया था? हाँ, हमने सबका स्वागत किया। हम सुबह सुबह यहाँ पर आ गए थे। ओके। और वैसे डॉक्टर मिल्स भी यहाँ पर आ चुके हैं। गुड डे सर, हैव अ गुड डे। अच्छा उल्याशिन, मुझे ये बताओ, वो दोनों एक दूसरे को मारते क्यों रहते हैं? एना विक्टोरोना, एना विक्टोरोना, क्या मैं आपसे थोड़ी देर के लिए बात कर सकता हूँ? मेरा नाम कुनित सिंह है, मैं यहाँ आपसे बात करने आया हूँ। हाँ, क्यों नहीं, प्लीज बैठिए। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। सुबह हो गई है और हमें एक ही लाश मिली है। सुबह सच में अच्छी जा रही है ना? वैसे याको प्लेटोनोविच कहाँ है? वो थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। अच्छा उल्याशिन, जरा रिपोर्ट पढ़ना। जी सर। मेहमानों के स्टेटमेंट के मुताबिक तकरीबन सुबह के 2 बजे कारावेव पार्टी छोड़कर चले गए। गोली की आवाज नहीं सुनी? जतोंस्क में कारावेव का कोई परिवार नहीं है, वो अकेले थे, अकेले रहते हैं। उनके दोस्त मिस्टर कुनित्सिन के मुताबिक उन्होंने किसी से कर्जा लिया हुआ था। इसमें क्या कहूँ, गोली 2 सेंटीमीटर नीचे दाई ओर से चलाई गई है और उसकी बाई आंख से 3 सेंटीमीटर नीचे से निकल गई, इसलिए शायद वो झुक गया होगा। और दूसरे शब्दों में, उसे ऊपर से गोली मारी गई थी और इसकी हत्या हो गई। तो इसका मतलब है कि इसने आत्महत्या की है, और उसका झुकना लगता है कि आखिरी पल में उसके हाथ हिल गए। सच कह रहे हैं सर, आत्महत्या, इसने तो सच में पाप किया है। पता नहीं लोग इस तरह का काम करते ही क्यों हैं। और जहां तक मुझे इस बात की जानकारी है कि लोग कह रहे हैं कि उसने आत्महत्या की है, जबकि वहां पार्टी चल रही थी। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम अलेक्जेंडर पेट्रोविच कुनित्सिन है, मैं व्यापारी हूँ। अलेक्जेंडर पेट्रोविच, आपका उनके साथ कोई रिश्ता था? किसके साथ? वो मेरा पार्टनर था। होलसेल ट्रेडिंग करावेव एंड कंपनी हमारी है।
अलेक्जेंडर पेत्रोविच, मैं समझ सकती हूँ आप पर क्या बीत रही है, पर मैं क्या कर सकती हूँ? देखिए, शायद आप अपनी ताकत का उपयोग करके ये पता लगा सकती हैं कि आखिर वहाँ हुआ क्या था और ऐसा किसने किया। अलेक्जेंडर पेत्रोविच, आप गलत जगह पर आए हैं, आपको मेरे बदले पुलिस के पास जाना चाहिए। देखिए एना, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि ऐसा सुनने में आया है कि आप कभी कभी बहुत मुश्किल केस को भी सुलझाते हैं। हाँ, मैं सुलझाती थी, पर अब मैंने वो छोड़ दिया है, आप समझ रहे हैं ना। प्लीज एक्सक्यूज मी, अब मुझे जाना होगा, मुझे बहुत देर हो रही है। रुकिए एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए एना। अलेक्जेंडर पेत्रोविच, मैंने ये सब छोड़ दिया है, मैं कह रही हूँ ना। देखिए, मैं मुश्किल में फंस जाऊंगा अगर इस केस, कुछ नहीं कर सकती। अगर ये केस नहीं सुलझा तो मेरी बात सुनिए। आप क्यों नहीं समझ रहे? तो उठ गए तुम, मुझे लगा शाम तक सोते ही रहोगे। मैंने मेरी कॉफी पी ली है। अब उठ जाओ, नाश्ता तैयार है। तुम्हारी कॉफी ठंडी हो गई है, नाश्ता यही लाने को कहा है। मुझे माफ करना, मुझे निकलना होगा, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। हाँ, तुम्हारा काम भी तो है ना। पहले तो मेरा काम तुम्हें परेशान नहीं करता था। काश तुम सेंट पीटर्सबर्ग ऐसे ही आते जाते रहो। तुम जानती हो कि ये सब संभव नहीं है। सोचा नहीं था तुम्हें ये जगह इतनी पसंद आएगी। और कितना दूर है? चलाते रहो, जब हम नजदीक पहुंच जाएंगे मैं बता दूंगा। हाँ हाँ, एक घंटे पहले भी तुमने यही कहा था। तुम भी थोड़ा जोर लगाओ। लेके आ जाओ, संभालना, पानी में मत गिराना। इस बार हमें बहुत अच्छी चीज मिली है। इसे उठाने में मेरी मदद करो। हम ज्यादा पैसे मांग के यहां से जल्दी निकल जाते हैं। कोच कहां पर है? वही होगा। इन लोगों के कुत्ते बहुत जोर से भौंकते हैं, एकदम मुर्गे की तरह, और उनकी पुलिस हमें कुत्ते की तरह पकड़ती है। एक मिनट भी और देर लगाई तो हम पकड़े जाएंगे, इसलिए जल्दी करो। हेलो जेल की दुनिया, आ जाओ आ जाओ। एना, माशा, कितने दिनों बाद मिले हैं, मुझे लगता है जिम्नेजियम के बाद मिले ही नहीं। पूरे 4 साल बीत गए, पूरी जिंदगी लगती है। तुम कहीं बाहर नहीं जाती? हाँ, बहुत काम करना पड़ता है अपनी बहनों के लिए, क्योंकि उनका खर्चा भी तो मैं ही उठाती हूँ ना। करावेव? मतलब वही जगह? हाँ, मैं वहाँ नौकरानी हूँ और मेरे पापा ड्राइवर हैं। कुनियत सिंह ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, उसने पता लगा लिया कि हम दोनों साथ के पड़े हुए हैं। हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ।
मेरी बात समझो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। उसे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। वो डर गए हैं और पापा को धमकी दी है कि वो उन्हें नौकरी से निकाल देंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कोशिश जरूर करूंगी। सच में शुक्रिया। देखिए याकोब प्लोटोनोविच, मुझे पूरा यकीन है कि गोली दूर से मारी गई थी। कैसे? कोई जलन का निशान नहीं था। अगर गोली सिर को छू रही होती तो थोड़ी जलन होती, पर एक भी जलन नहीं। सच कहा, लाश को देख के ऐसा लगता तो है कि गोली काफी ऊपर से मारी गई है, इसलिए यह आत्महत्या तो नहीं हो सकती। मामला कुछ और है। हाँ, आप सही कह रहे हो। तुमने पुलिस वालों को कुछ अलग क्यों कहा? ज़ेतोन से एक छोटा शहर है और अफवाहें बहुत जल्दी फैलती हैं, और मैं नहीं चाहता था कि अपराधी को पता चले कि हम उसे ढूंढ रहे हैं। बहुत अच्छा किया एंटोन तुमने, तुम काफी प्रोग्रेस कर रहे हो। एक महीने पहले पड़ोसी गवर्नर के यहाँ भी ऐसी ही घटना हुई थी। पार्टी चल रही थी और किसी ने आत्महत्या कर ली थी। फर्क सिर्फ इतना था कि गोली यहाँ गर्दन पर लगी थी और गोली मारने वाली एक औरत थी। आप सोच भी नहीं सकते। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम लगातार अखबार पढ़ते रहते हो। नहीं नहीं, अखबार का तो इससे कोई लेना देना नहीं है। सर, मैंने ये ज़ेतोन्स्क टेलीग्राफ में पढ़ा था। ऐसा लगता है कि मुझे भी पढ़ना शुरू करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि करावेव की हत्या की साजिश रचाई गई थी एंटोन। पता लगाओ कि उसके कोई दुश्मन भी थे क्या। ठीक है, मैं इस बात का पता लगाता हूँ, और अगर थे तो कुनित्सिन भी खतरे में है। कुनित्सिन खुद खूनी भी हो सकता है, क्योंकि करावेव का शेयर उसे मिल सकता था। याद रखना, हमें कंपनी के हिसाब किताब देखने पड़ेंगे एंटोन। क्या आपको लगता है सर कि पड़ोसी गवर्नर और इस हत्या का एक दूसरे से कोई गहरा संबंध है? कैसे? कैसे नहीं सर, किसके द्वारा? अपराधी और उसकी हत्या करने की साजिश। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपना शिकार कुछ लक्ष्य में रख के करता है और फिर ऐसे दिखता है कि ये आत्महत्या थी? एंटोन, तुम्हें यकीनन डेड एंड काफी पसंद है। याकोब प्लोटोनोविच, आपने ही तो कहा था कि हमें हर पहलू से देखना अच्छी चाहिए। अच्छी बात है, गवर्नर को एप्लीकेशन भेज दो। सच जानने के लिए हमें सारी डिटेल्स की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। फिर से वही ताश का खेल? पता है मुझे कहाँ मिले? मेरी सूटकेस के अंदर मिले। मुझे ये फेंकना था। बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक मैजिक ट्रिक दिखाता हूँ। कोई भी पत्ता निकाल लो, कोई भी पत्ता। कोई भी, और उसे ठीक से याद रखना। याद कर लिया ना? आपने इसमें कितने पैसे गवाए हैं? 1 मिलियन? शायद 1 मिलियन, शायद 2 मिलियन, पर वो सब पुरानी बातें हैं। वो सब मेरी जवानी की गलतियां थी, जवानी की गलतियां। तो क्या ये पत्ता वही है? बोलो। नहीं, ये नहीं है। ये नहीं है? नहीं। क्या आपने सुना करावेव की पार्टी में क्या हुआ था? हाँ, मैंने सुना, मैंने सब सुना। दोपहर से सब वही बातें कर रहे हैं, सब उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो बताओ, वो पत्ता ये था? नहीं, ये भी नहीं है। वो लोग क्या कह रहे थे? वो लोग कह रहे थे कि उसने आत्महत्या की है, उसने खुद के साथ ये चाल चली है। ये था? नहीं, ये भी नहीं। वो ऐसा क्यों कह रहे थे? क्योंकि पुलिस ने ऑफिशियली यही बयान दर्ज किया है। तुम क्यों दिलचस्पी ले रही हो? क्योंकि करावेव का दोस्त कुनित्सिन मेरी मदद मांगने आए थे। आप सुन रहे हैं ना, ये नहीं है। तो तुमने उससे क्या कहा? उसे यकीन नहीं हो रहा उसने आत्महत्या की है। उसे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ एक साजिश है। एक बार और ट्राई करो, एक बार। हो सकता है उसके दुश्मनों ने उसे मारा हो। अब मैं समझी मेरे प्यारे प्योत्र इवानोविच। पहले तुमने मेरी बेटी को आत्माओं को कैसे बुलाया जाता है ये सब बातें सिखाई, और अब तुम उसे ताश खेलने जैसा घटिया काम सिखा रहे हो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो मारिया? तुमने खुद ये देखा कि ये सिर्फ एक मैजिक ट्रिक थी और कुछ नहीं है। इसमें किसी को नुकसान नहीं है। जानती हूँ कैसे होता है बिना नुकसान का खेल। ऐसी बात मत करो, वरना मेरी प्यारी भतीजी को लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा बुरा आदमी हूँ। कैसी बात कर रहे हैं अंकल, जो भी हो पर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। वाह, पर अब तो मुझे ऐसा महसूस होता नहीं है। सही कहा तुमने, मेरी बेटी अंदर से बहुत ही मासूम
और भोली है। एक बात तो माननी पड़ेगी कि तुम्हारी माँ भी कम जासूस नहीं है, वो भी माहिर है। बिना बोले बिना जताए बहुत ही बारीकी से वो आसानी से चीजों को ढूंढ लेती है। हम कुनित सेन के बारे में बात कर रहे थे ना। हाँ, आपने मुझे बुलाया पित्रोविच? हाँ हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया था। आ जाओ, दरवाजा बंद करके आ जाओ। तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? मुझे कैसे पता होगा पित्रोविच? हाँ, तो फिर तुम्हें सारी बातें खुलकर बतानी होंगी। हालांकि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो। मैं कसम खाकर कहता हूँ अलेक्जेंडर की, मैंने कितने सालों से ईमानदारी से आपकी सेवा की है। दरअसल बात यह है कि मुझे और करावेव को तुम्हारे काम करने का अंदाज पसंद नहीं था, पर सच्चाई तो यह है कि तुम जैसा वफादार आदमी हमें मिला ही नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अलेक्जेंडर पित्रोविच। अगर आप मुझे एक मौका दे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं ईमानदारी से आपकी सेवा करते रहूंगा और अच्छा काम करके दिखाऊंगा। हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं क्यों नहीं, जरूर। हम सब कुछ भुलाकर एक बार फिर से काम पर लग जाते हैं। हाँ ठीक है, पर मैं कुछ कहने वाला था। रुको। जी बोलिए। अरे हाँ, ये बताओ कि तुम कल रात को कहाँ थे? मेरे परमेश्वर गवाह है अलेक्जेंडर पित्रोविच, कल रात मैं अपने घर पर ही था। ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छी बात है, तुम जाओ, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। जाओ। एना विक्टोरोना मैडम, आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। अरे तुम खड़े क्यों हो, जाओ ना, मुझे पता था कि आप जरूर आएंगी। आइए बैठिए। माशा और मैं एक ही स्कूल में पढ़ते थे, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ बस। जी अच्छी बात है। ठीक है, एक काम करिए, मुझे सब कुछ बताइए। हाँ, करावेव ने अपनी सालगिरह के लिए एक कॉस्ट्यूम पार्टी रखी थी। वो 45 साल का हो गया 45? था ना, इसलिए। तो ये इसका जन्मदिन नहीं था? अब सच में तो उसका जन्मदिन नहीं था, पर उसे पार्टी मनाने के लिए कुछ बहाना चाहिए था, तो इसीलिए उसने ये पार्टी आयोजित की थी जिसमें बहुत सारी लड़कियां और सभी लोगों को बुलाया था। मैं एक सच आपको बता दूं, वो अपनी जिंदगी से बहुत प्यार करता था और वो आत्महत्या कर ही नहीं सकता। कब और कहां हुआ था ये? क्या कहा? उसने अपने आप को कब मारा? ओह, उसने अपने आप को ऑफिस में ही मारा, सब यही कह रहे हैं। दरअसल उस रात सभी ने बहुत पी रखी थी। आप जानती हैं कि पार्टी में तो ये सब होता ही रहता है। वैसे हम सभी पूरे वक्त एक साथ ही थे, फिर अचानक वो उठकर कहीं चला गया। मुझे तो लगता है कि इसमें किसी की साजिश है। किसी ने गोली की आवाज नहीं सुनी? जी नहीं, वहाँ काफी सारे लोग थे और जोर शोर से म्यूजिक चल रहा था। वो अकेले रहता था? जी हाँ। इस वक्त घर पे कोई नहीं है? अब अगर पुलिस ने अपना काम कर दिया हो तो? अगर पुलिस ने, मुझे चाबी दीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं आपको देता हूँ, मेरे पास है, ये लीजिए, ये रही चाबी। वैसे अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ आ सकता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी बात है, जैसा आप ठीक समझे, बहुत बेहतर, अच्छी बात है। और वो आदमी कहाँ गया? वो आदमी, वो मेरा ड्राइवर है, बहुत वफादार है वो, मारिया के पापा है वो। वैसे बात क्या है? कुछ नहीं।
रही हो? मैं यहाँ कुनित सिंह से मिलने आई थी, उसने मुझे चाबी दी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ सफाई करने आई थी। वो बात यह है कि कुनित सिंह ये घर बेच रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि यहाँ सफाई कर दो। अच्छा ऐसा है। क्या तुम उनसे मिलके आई हो? किससे? क्या तुम करा वाइफ से मिलके आई हो? मैं जानती हूँ इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डरावना है। क्या तुम भी पार्टी में थी? नहीं, लेकिन मेरा जाने का बहुत मन था। अजीब बात है, तो फिर तुम गई क्यों नहीं? अच्छा नहीं लगता है ना मालिक के साथ नाचना, आगे दिक्कत होती है। ठीक है, तुम काम करो, मैं चलती हूँ। ठीक है। मुझसे कुछ वादा किया था निकोला, याद है ना तुम्हें? तुम्हें लड़कियों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। पहले मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो। क्या तुम्हें मेरी चिट्ठियां नहीं मिली या तुमने पढ़ी नहीं? तुम मुझे अनदेखा कर रहे हो, ऐसी ही बात है ना? तुम हो कौन? तुम हर किसी को अपने प्यार के जीत के बारे में बताते रहते हो ना, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। ये तुम हो या? एना विक्टोरोना, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ था? याकूब प्लेटनविच, हम दोनों डांस कर रहे थे। कुनित सिंह ने मुझे बताया कि तुम यहाँ पर हो। कुनित सिंह? कौन कुनित सिंह? अरे हाँ, मुझे माफ करना, बहुत गर्मी है यहाँ। एना, क्या उसी ने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था? उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, मैं मना नहीं कर सकी। तुम्हें पुलिस के काम से दूर रखने का और कोई तरीका भी नहीं था? पुलिस के काम के बीच में तुम आ ही जाती हो। मैं ये जानबूझ के नहीं करती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो मुझे। कोई बात नहीं, देखा जाए तो हम दोनों का काम मरने वालों के साथ ही होता है। हम दोनों एक ही काम करते हैं। हाँ, पर अलग अलग तरीके से। हम दोनों एक दूसरे का सिर खाते रहते हैं, और तुम्हारे लिए एक प्रपोजल लेकर आया हूँ। गुस्सा ना करने का। नहीं, काम में दखल ना देने का। मैंने कभी तुम्हारे मामले में दखल नहीं दिया है। मैंने भी तुम्हें बांध कर नहीं रखा, फिर हम लोग झगड़ते क्यों रहते हैं ना? मैं तुमसे झगड़ा नहीं कर रही। अच्छी बात है, तो फिर हम दोनों एक समझौता कर लेते हैं। ठीक है, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ हमेशा से समझौता ही करती आई हूँ। अच्छी बात है, तुम्हें ऐसा करते रहना चाहिए। वैसे क्या है ना, हम सिर्फ दोस्त बनकर रह सकते हैं,
हमारे बीच कुछ था भी। अच्छा हुआ कि कुछ नहीं था। क्या तुम मुझे हर्ट करना चाहते हो? नहीं है ना, मैं ऐसा क्यों करूंगा, और अगर मैंने ऐसा किया है तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। क्या हम नई शुरुआत नहीं कर सकते है ना? कैसी शुरुआत? एक दूसरे की फीलिंग को हर्ट ना करने की। बोलो। मैंने कभी तुमसे झगड़ा नहीं किया। तो ठीक है, मुझ पे एक एहसान करना कि ये कौन से जब भी तुम दूसरों की मदद करना चाहो तो कुछ भी करने से पहले तुम मुझे एक बार सिर्फ इन्फॉर्म कर देना, मेरे बिना कोई काम मत करना है ना, तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ। मेरी खुद की सेफ्टी के लिए? हाँ, तुम्हारी सेफ्टी के लिए। तो ये डील रही? अब सिर्फ काम की बात करते हैं। करावेव ने कई लड़कियों के साथ पार्टी में डांस किया और उन सब ने कोलंबियन कॉस्ट्यूम्स पहने थे। तकरीबन कितनी लड़कियां थी? मुझे नहीं पता, मैं गिन नहीं पाई। शायद इसीलिए मुझे चक्कर आ गया था। करावेव ने क्या किसी औरत का खून किया होगा? मुझे नहीं पता, लेकिन ये अजीब बात है कि सभी लड़कियों ने एक जैसे कपड़े क्यों पहने थे। जब मुझे ये बात पता चलेगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। और मुझे बहुत खुशी होगी। ये पत्ता तो पहले भी खेला गया था। ऐसा क्या, अभी कब? तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? हाँ, मारोगे? मारो, हाँ। मारो, मारो। क्या बच्चों की तरह हुल दे रहे हो, मारो तो सही। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, बंद करो ये सब। चाकू से मत खेलो। यहीं रहो, शांति से रहना। अगले 2-3 दिन तक तुम लोग किसी को अपना चेहरा मत दिखाना। मैं अभी तक ड्राइवर हूँ, इसीलिए सुरक्षित हैं। अब हम यहाँ और नहीं रह सकते। एक बार यहाँ से निकल जाओ, फिर जो मर्जी वो करना। एक दूसरे को मारना होगा तो मारना, लेकिन जब तक यहाँ हो शांत रहो। हुआ क्या है, काम तो हो गया है ना? अभी तक पैसे नहीं मिले और सामान भी नहीं बिके हैं। पुलिस की चारों तरफ पहरेदारी है और ग्राहक भी नहीं है। हमारी बॉस क्या कह रही है? मतलब मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूं। तुम हो, लेकिन वो क्या कहती है वो जानना जरूरी है। वो क्या कहती है? उसने कहा जब तक पुलिस आसपास है छुपे रहो, अपना चेहरा किसी को मत दिखाना। समझ गए हम, तुम हमें धोखा तो नहीं दे रहे हो ना? नहीं तो तुम जानते हो, तुम मुझे डरा रहे हो है ना? नहीं। ये कहां मिला? वो लेकर आया था, मुझे दो। तुम इसका क्या करोगे? तुम लोग मुसीबत में डाल दोगे, मुझे सावधान रहना होगा।
गुड डे। गुड मॉर्निंग, क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? ओह हेलो, क्या आप जानती हैं कि कुछ सुंदर कोलंबियन कॉस्ट्यूम्स हाल में ही बनाए गए थे, क्या वो यहीं बनने आए थे? हाँ वो मैंने ही बनाए थे। ओह मुझे लगा ही था। आपके शॉप शहर की सबसे अच्छी शॉप है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको क्या चाहिए आप ये बताइए। मुझे भी बिल्कुल वैसे ही कॉस्ट्यूम बनवानी है। आपके पास उन कॉस्ट्यूम की स्केचेस तो होगी ना? जी हाँ, ये स्केच देखिए, ये लीजिए, देखिए ना। हाँ मुझे ऐसे ही ड्रेस चाहिए। इसे किसने ऑर्डर किया था? वो ऑर्डर किया था लेडी पद्मोजवा और लेडी स्रेलसिवा और शायद लेडी एलेक्सिवा। ओ, तीनों के पास एक जैसा ही कॉस्ट्यूम है। बिल्कुल, मैं भी हैरान थी इसके लिए। उन्होंने बताया कि उन्हें एक जैसे कॉस्ट्यूम क्यों चाहिए? हाँ उन्होंने कहा कि वो इसी बहाने मजाक करना चाहते थे। कितना अजीब है, तुम ऐसी फालतू की चीजों पर कितना समय बर्बाद कर सकते हो। पंछियों को देखकर शांति मिलती है, आपको धीरज रखना सिखाता है। अच्छी बात है, तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। क्या हुआ है? अकेले रहकर मैं थक चुकी हूँ। मिस्टर ब्राउन के साथ बातें करना, ये सब कागजात इंजीनियर के यहाँ से चोरी करना, और फिर आगे क्या बताओ मुझे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये देखो ये कितना सुंदर है, मेरी खिड़की के अंदर भी क्या हो रहा है ये जानने के लिए उत्सुक हैं। ये बदमाश हमें देख रहा है। मुझे पंछी पसंद नहीं है। तुम्हें पसंद होने चाहिए। मुझे बताओ ब्राउन का फॉग के बारे में क्या कहना है? उसने कहा दलदल में से जहरी गैस फैल रहा है। उसने ऐसा कहा? हाँ कम शब्दों में। दलदल हमेशा से यहाँ थी लेकिन जहरीली फॉक्स कभी नहीं थे। मिस्टर ब्राउन मुझे लगता है कि उनके साथ लेकर आए हैं। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? नहीं मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। बस हुआ, अब घर जाओ मेरे दोस्त, टांगा तुम्हारा वेट कर रहा है, चल जाओ। चलो अब तुम्हारी बारी है। एक मिनट जरा ऑर्डर ले लो। डालो डालो। आप क्या लाओ? मुझे एक वोडका दे दो और साथ में कुछ नींबू, जल्दी डालो, और उसके साथ कुछ चटपटा खाने के लिए। चलो तुम्हारी चाल चलो, देखो ये लो। ये मेरी पत्नी, ये मेरी। थैंक यू। आपको देख के लग रहा है आपके सारे पैसे खत्म हो चुके हैं सर। ये सोने की है और इसकी चेन भी सोने की है। ये मेरी पुश्तैनी घड़ी है। इस टेबल पर जो कुछ भी रखा है ये उससे दुगनी महंगी है। मैं इसे आधी कीमत पर देने को तैयार हूँ। तो सोच कर रहे हो, खेलो आगे। मैं खरीदने को तैयार हूँ।
घड़ी अच्छी है लेकिन यहाँ का बैच गया है। परिवार का नाम कहाँ है? किनारे पर लिखा हुआ है, देखो थोड़ा नजदीक से देखो। ठीक है। ये पत्ता तो पिछले राउंड में भी था, इस राउंड में कैसे आया? कब खेला था? पिछले राउंड में था यही पत्ता, दोबारा कैसे आया तुम्हारे पास? चीटिंग है। गुड मॉर्निंग याकोब प्लाटोनोविच। याकोब प्लाटोनोविच, गुड मॉर्निंग। प्योत्र इवानोविच आपका ही इंतजार कर रहे थे, वो अंदर जेल में है, चलिए जाके उनसे मिलते हैं। ये प्योत्र इवानोविच कौन है एंटोन? पहले एक कप चाय पी ले हम। वो है ना विक्टोरोवना के अंकल है, मिरोनोव। उन्होंने मधुशाला में किसी से झगड़ा किया था। किसके साथ? आप चाय पियोगे? चाबी लाओ जल्दी। याकोब प्लाटोनोविच, याकोब प्लाटोनोविच, याकोब प्लाटोनोविच, मेरी बात सुनो। मैं प्यात्र इवानोविच, आप यहाँ पर? हाँ हाँ, मैं यहाँ पर। मेरे साथ और तीन आदमियों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल कुछ मत बोलो, बस उन्हें छोड़ देना। क्या कह रहे हैं ये? और मुझे भी छोड़ दो ना, ये छोटी सी बात है। ये आप कैसे कह सकते हैं मुझसे? आप मेरे कहने पे उन्हें छोड़ दो। बात को समझने की कोशिश करो, मैं नहीं चाहता कि ये बात फैले, वरना मेरी बदनामी हो जाएगी। यहाँ से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है, तुम तीनों को जाने कैसे दूं? इट्स नॉट पॉसिबल। मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ और मुझे मेरी वो घड़ी भी वापस चाहिए। मुझे धक्का मत मारो, मैं चल सकता हूँ। ये इसके पास। रुको एक मिनट। स्वेल हो तुम? मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये पीटर्सबर्ग के एक बहुत नामचीन ताश चोर हैं और सब प्यार से इन्हें स्वेलो बुलाते हैं, स्मगलर स्वेलो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं तुमसे यहाँ पर मिलूंगा। जरा मुझे बताओगे कि तुमने क्या किया? मुझे नहीं पता उस आदमी ने आपसे क्या कहा, पर हमने कुछ नहीं किया, हम निर्दोष हैं। क्या वाकई में ऐसा था कि हम खेल रहे थे और ये आदमी हार गया? जुआ कोई अपराध नहीं है, जुए की बाजी कैसे खेली जाती है ये समझना पड़ता है। क्या आप उसे सेंट पीटर्सबर्ग भेज दोगे? हाँ, भेजना ही पड़ेगा। अगर उन लोगों ने हमसे सच कह दिया तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो वो और उसके दोस्तों को छोड़ देना? छोड़ देने का क्या मतलब? हिरासत में रखने की कोई वजह है हमारे पास? तो फिर क्या हुआ अगर उन्होंने वहां पे झगड़ा भी किया तो? और प्योत्रो ने खुद मुझसे कहा कि उसे उनसे कोई तकलीफ नहीं है। अगर सेंट पीटर्सबर्ग ने कहा कि ग्रे हेयर गैर कानूनी काम करता है और उसके खिलाफ वारंट है तो फिर? मुझे लगता है उसके खिलाफ कोई वारंट नहीं है और लगता है वो किसी और मकसद से यहाँ पर आया है। कहीं ऐसा ना हो कि हम सब कुछ बिगाड़ दें। आप कह रहे हैं कि बिगाड़ देंगे, लेकिन इसका मतलब? मेरा मतलब ये है कि उसके दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा है और वो जानना इस वक्त जरूरी है एंटोन। उसके साथियों के साथ हमें उसे पकड़ना होगा और इसलिए उसे छोड़ना होगा। इसलिए हमें उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। हम किसे उनके पीछे लगा दें, हमारे पास कुछ ही आदमी हैं।
एंटोन एंड्रेविच, हमें युवाओं पर भरोसा करने की बहुत जरूरत है। हाँ, मुझे एक बात और याद आई एंटोन, तुम एक सबूत पर ध्यान देना भूल गए हो। कौन सा सबूत? एक औरत के जूते के निशान का सबूत। मुझे खून के निशान मिले थे एंटोन। एना विक्टोरिना बिल्कुल सही कह रही थी कि खूनी कोई औरत है। यहाँ ऊपर आओ, अपना हाथ इधर रखो। कोहनी की साइज 18.5। तुम्हारा पैर यहाँ पर रखो। कौन सा? दाया पैर। पैर की साइज 12.5। चलो अब यहाँ आओ। ऊंचाई 177। हटो। आंखों का रंग हरा। बालों का रंग लाल। तुम चुप रहो। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। आपको कोई जानकारी मिली? हाँ, मेरे पास एक कागज है, जरा इसे पढ़िए। तुम ये कंपनी नहीं रखोगे, अपने काम से काम मतलब रखो। लगता है मेरी बारी है। लेकिन आखिर वो चाहते क्या हैं? वो चाहते हैं कंपनी बेच दो, पहले कराफिफ और अब मैं। कोई गहरी साजिश है, समझ में नहीं आ रहा। आपको किस पर शक है? इस कागज से पहले मुझे एक और कागज मिला था, कुछ ऑफिशियल था, वो किसी मस्कोविट ने भेजी थी, उसे भी ये कंपनी खरीदनी थी। ठीक है, आज की रात हम करावेव के घर पे मिलते हैं। आप अंदर जाने के बाद पीछे का दरवाजा खोल दीजिएगा, मैं अंदर आ जाऊंगी। कोई भी मोमबत्ती जलाने की जरूरत नहीं है। हम दोनों उसके ऑफिस में मिलेंगे। पर किस लिए? हम एक प्लान बनाएंगे। हम उसकी आत्मा को बुलाएंगे और उससे सवाल पूछेंगे। पहला सवाल, क्या वो मारा गया था या फिर उसने खुद ही आत्महत्या की थी? और दूसरी बात, खून किया तो किसने किया? देखिए, आप आइएगा जरूर, मैं इंतजार करूंगा। ऊपर वाला करे, केस जल्दी सुलझ जाए। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अभी आपको पुलिस स्टेशन जाना होगा स्टोलमैन के पास, और वहाँ जाने के बाद आपको ये लेटर उन्हें दिखानी होगी। ये जरूरी है? इसमें हंसने की क्या बात है? माफी चाहता हूँ, मैं उसे पक्का बताऊंगा कि स्टोलमैन ने मुझे तय की। ये बताइए, आपको स्टोलमैन पे पूरा भरोसा है? हाँ बिल्कुल। रात को मिलते हैं। हमने आपकी कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को चेक किया है और उसी लिए आपसे बातचीत करनी है। पूछ सकता हूँ किससे पूछकर किया है सर? सब कुछ कानूनी तरीके से किया गया है। मैं शक नहीं कर रहा था, भरोसा रखो। आपके रिकॉर्ड्स और करावेव के रिकॉर्ड्स को देखने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ है कि आपको लोगों के पैसे चुकाने थे, आप पे काफी कर्जा था। अब चूंकि मिस्टर करावेव की मौत हो चुकी है तो सारा कर्जा आपको ही चुकाना होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा, मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं, हर चीज का एक एक ब्यौरा है, सभी के नाम इस लिस्ट में लिखे हुए हैं कि कितना पैसा किस आदमी से लिया गया। आप खुद देख सकते हैं, आपके ऊपर तो इस वक्त बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आपके नोट है ना?